हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की भुजिया सब्जी और रोटी। तो ये देखिए, मैं आलू लेकर बैठी हुई हूँ और इसे कट कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरा बेटा भी कट कर रहा है। और हमारे बच्चों को आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमने पूछा कि क्या खाना है, तो उन्होंने फटाक से बोला आलू भुजिया। और भिंडी भी रखी हुई थी, तो भिंडी तो नहीं पसंद है बच्चों लोगों को, तो इस वजह से आलू की भुजिया सब्जी बनाने जा रही हूँ और चावल की रोटी बनाऊंगी। कल मैंने थोड़ा सा चावल की पूड़ी बनाई थी, तो आटा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो रख दिया था, तो वही आटा बचा हुआ है, उसी आटे का मैं बनाऊंगी चावल की रोटी और आलू भुजिया की सब्जी। तो चलिए, किस तरीके से मैं बनाती हूँ आप लोग भी देखिएगा। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मेरे। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे जीरा और थोड़ा सा मेथी। जब ये चटक जाए तो हम इसमें कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर। तो देखिए, ब्राउन हो चुकी है, इसमें डाल दिया है हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। बस इनको अच्छे से चला लेना है और आलू को हम डाल देंगे और साथ में ही नमक डाल देंगे। तो आलू भुजिया मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, हर कोई ऐसे ही बनाता होगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है सब लोगों का बनाने का तरीका। तो मेरा इस तरीके से बनाने का तरीका है। तो बस अब मैं इसे ढक दूँगी और धीमी धीमी आँच में पकाऊँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। ये देखिए, ये चावल का आटा है और थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी हमने लगाया है, उसका भी हम रोटी बनाएंगे। तो पहले मैं चावल का आटे का रोटी बनाऊँगी। तो बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप लोगों को चावल का रोटी खाना हो तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं लोई ली हुई हूँ, बस इतना बड़ा ही बेलूँगी। थोड़ा हम मोटे मोटे ही रोटियां इसका बेलेंगे। तो देखिए, हमने गैस पे इसे रख दिया है, सेक हमारी रोटी सेका रही है। और सॉरी फ्रेंड्स, मेरे गले में कुछ खिचखिच है, इस वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं रोटियां भी सेक लूँगी। बहुत ही ईजी है, आप लोग भी बना सकते हो। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इसे सेक ले रही हूँ, एकदम से कड़क कड़क सा। और इधर मेरी सब्जी भी पक चुकी है धीमी धीमी आँच में। तो आज का हमारा नाश्ता यही है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुछ अलग सी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों का रिक्वेस्ट ज़रूर पूरा करूँगी। तो देखिए, अब मैं दूसरी रोटी भी डाल दी हुई हूँ और इधर मैं सब्जी अच्छे से चला ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से कढ़ाई में चिपके नहीं, और धीमी धीमी आँच में ही पकाऊँगी ये सब्जी। तो बस आज का नाश्ता यही है।
का नाश्ता हो चुका है। अभी मैं जस्ट छुट्टी पाई हूँ, सबको नाश्ता करा करके और बर्तन भी सारे धुल लिए हैं, पोछा भी हमने लगा लिया है। बस लंच बनाएंगे, तो अभी लंच नहीं बनाएंगे इस टाइम। सब लोग का नाश्ता मैं करवा दे रही हूँ। नाश्ता मैं 2 बजे से नहीं बनाती थी सुबह, क्योंकि देखिए अगर नाश्ता हमारे यहाँ सब कर लेते थे तो दोपहर का लंच करने में हिचकिचाहट सबको होती थी, बहुत कम ही मतलब लंच करते थे। इस वजह से मैं नाश्ता नहीं बनाती थी, ताकि नाश्ता करने के बाद लंच कोई करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। इस वजह से नाश्ता में नहीं बनाती थी। लेकिन बहुत डांटने बोलने के बाद सब लोग एक एक रोटी मतलब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद 2-2.5 बजे हम सबको लंच भी करवा देते हैं। तो देखिए अभी बज रहे हैं 11, देखिए 11 बजने वाली है। अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी करनी थी। और आज मैंने बाल अपना धुला हुआ है और सुबह से ऐसे ही है गीली गीली, अभी जस्ट छुट्टी मिली है तो खोल ली हुई हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। अभी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। कपड़े भी हमारे मशीन में पड़े हुए हैं क्योंकि लाइट चली गई, धुल चुका था, केवल सूखना बाकी था। तो लाइट तो चली गई, तो आएगी लाइट तभी वो सूखेगा। तो वहाँ वैसे ही पड़ी है मशीन में, तो देखते हैं कब तक लाइट आएगी कब तक नहीं आएगी। और यहाँ मेरे बच्चे मेरे कैमरे में आना ही नहीं चाहते हैं, और देखिए सब लोग इधर से उधर उधर से इधर भाग रहे हैं। और वहाँ मेरा बड़ा बेटा अपना क्लास अटेंड कर रहा है, इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और यहाँ मेरा छोटा बेटा देखिए पहले आके बेड छिका लिया है, देखिए मेरे जगह पर पहले ही आके लेट गया। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में फ्रेंड्स, थोड़ी देर में क्या मिलूंगी आप लोगों को अब मैं शाम को ही, क्योंकि लंच में अभी कुछ खास नहीं बनाना है, बस दाल चावल बनाएंगे तो उसे क्या शेयर करना। तो चलिए थोड़ी देर में, सॉरी बार बार मुख से निकल रही है थोड़ी देर, तो मिलेंगे आप लोगों को शाम को और देखते हैं शाम को मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।